वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है ये देखेंगे हम आज की वीडियो में और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज और बनाता रहूँ। तो शुरू करते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर ये सबसे पहले वर्ड ये जो यूज किया था या ये टर्म जो दिया था वो दिया था गैब्रियल आर्मेंट ने 1956 में। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? पॉलिटिकल कल्चर ये एक ऐसा सेट है पीपल्स के मतलब हम कह सकते हैं कि पीपल्स के बिलीव, वैल्यूज, इमोशंस और जो उनका व्यू पॉइंट होता है या उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उसे ही हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। कि लोग अपने पॉलिटिकल क्या वैल्यूज रखते हैं, क्या उनके व्यू पॉइंट है, क्या साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उनके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, इसी को हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। एक बार देख लेते हैं, पॉलिटिकल कल्चर इज द व्यू, एस्पिरेशन एंड बिलीफ ऑफ मोस्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री टूवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू जो कंट्री जो है वो चलाई जाती है, गवर्न की जाती है। इट कैन बी सेड टू बी अ साइकोलॉजिकल मैटर ऑफ द पीपल। इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल्स मेंटेलिटी, जैसे कि मैंने बताया ये लोगों की मेंटेलिटी है, एक व्यू पॉइंट है उनका रिलेशन टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज, नॉट पॉलिटिकल एक्टिविटीज इटसेल्फ। एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ल्यूसियन पे, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल कल्चर एज द कंपोजिट ऑफ बेसिक वैल्यूज, कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो एक बेसिक वैल्यूज है, फीलिंग्स हैं, नॉलेज हैं, जो अंडरलाइन करते हैं किसी एक पॉलिटिकल प्रोसेस को पूरे। हैंस द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आर द बिलीफ, ओपिनियंस एंड इमोशंस ऑफ द सिटीजन्स टूवर्ड्स देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो उसे मिलाकर पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। जैसे लोग जैसे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वैल्यूज रखेंगे, व्यू पॉइंट रखेंगे, साइकोलॉजिकल थिंकिंग रखेंगे, मेंटेलिटी रखेंगे अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, उससे मिलाकर क्या बनेगा, उसी को पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट गैब्रियल आर्मेंट, जिन्होंने ये पॉलिटिकल कल्चर टर्म इंट्रोड्यूस करा, और सिडनी वेरबे, इन्होंने सर्वे करा यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, मैक्सिको। दिस लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन सॉट टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कल्चर विद विच अ लिबरल डेमोक्रेसी इज नॉट मोस्ट लाइकली टू डेवलप एंड कॉन्सोलिडेट। आलमेंट एंड वर्बा आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन थ्री प्योर फॉर्म्स ऑफ और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। गैब्रियल आर्मेंट और सिडनी वर्बे जो अपना सर्वे करते हैं इन स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, उसके बेसिस पर ये थ्री प्योर फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बताते हैं। नंबर वन, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। इन पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर सिटीजन्स आर ओनली इनडिस्टिंक्टली अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के अंदर लोग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और लोगों का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो सिर्फ इनडिस्टिंक्टली अवेयर होते हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या अदर जो भी गवर्नमेंट के वर्क्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, उससे वो अवेयर नहीं होते अपने पॉलिटिकल सिस्टम से ज़्यादा, और ना वो अवेयर होना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट, इन सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर सिटीजन सी देमसेल्फ नॉट एज पार्टिसिपेंट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस बट एज द सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट तो नहीं करते है ना, अपने आप को पार्टिसिपेंट की तरह नहीं देखते, लेकिन अपने आप को सब्जेक्ट की तरह देखते हैं गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को हमारे लिए काम करना है और हमारे लिए ये काम करने हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में लोग अवेयर होते हैं,
लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने उन्हें होना चाहिए। ठीक है, बस वो अपने आप को सब्जेक्ट मानते हैं लेकिन वो अपने आप को पार्टिसिपेंट नहीं मानते और अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते डायरेक्टली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इसीलिए इसे कहा है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट, इन अ पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में क्या है कि लोग पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, और वो अपने आप को दोनों मानते हैं। सिटीजन बिलीव बोथ दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिस्टम, कि वो अब यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि वो पार्टिसिपेंट भी मानते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अपने आप को पार्टिसिपेंट मानते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि वो इससे अफेक्ट भी हो रहे हैं एंड दे आर अफेक्टेड बाई इट। सो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम में और कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं जितना भी वो कर सकते हैं, बाई गिविंग वोट, है ना, और रैलीज में इन्वॉल्व होकर या जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं उनमें इन्वॉल्व होकर। तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि उसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जुड़े रहते हैं। तो तीन तरीके के गैब्रियल आलमेंट ने पॉलिटिकल कल्चर बताए थे, पेरोकियल जिसमें बहुत ही कम लोग जुड़े हुए थे, सब्जेक्ट जिसमें वो अपने आप को पार्टिसिपेंट नहीं मानते बट सब्जेक्ट मानते हैं गवर्नमेंट का, और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर वो होता है जिसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो पार्टिसिपेंट भी होते हैं और अपने आप को सब्जेक्ट भी मानते हैं, यानी कि वो उससे अफेक्ट भी हो रहे हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।